पानी पूरी वाले भैया जी, जितना नींबू आप निचोड़ते हैं उसका सारा बीज और जितना इमली आप निचोड़ते हैं उसका सारा बीज ले जाइए, कहीं ज़मीन में बो दीजिए। किसी का तो भला होगा, यह सोच के बो दीजिए कि हमारा नहीं तो उसका तो भला हो जाएगा, उस बीज का भला हो जाएगा, उसमें जान आ जाएगी, उसको ज़िंदगी मिल जाएगी। हो सके फिर वही बात आ जाएगी कि आपको प्रॉफिट मिलेगा उसका, ऊपर वाला देख रहा है ना, प्रॉफिट देगा देगा ज़रूर देगा। ऐसे फीलिंग्स रख के चलिएगा, किसी से पटदारी नहीं करनी है, हमें किसी की देखा देखी नहीं करनी है। मेरे अंदर की खुद की सोच भी यही रहती है, मैं किसी की पटदारी नहीं करती, ना मैं किसी की देखा देखी करती, चाहे मैं बराबरी करती। ये मेरी अपनी फीलिंग्स है, अपनी सोच है, मेरे मन की भड़ास है जो मैं आप सबसे कह रही हूँ, और ये मैं करती आती हूँ, है ना। मैं ये चीज़ करती आ रही हूँ। मेरे पास कितने आम के पौधे हैं, कितने पपीते के पौधे हैं, मैंने जो मैं खाती हूँ, चाहे मेरे घर में फैमिली मेम्बर्स खाते हैं, उन सबके बीज मैं इकट्ठा करके डाल देती हूँ। उसके बाद से जो मांगता है उसको मैं देती जाती हूँ कि ले जाओ भाई, अपने अपने घर लगाओ, अपने क्लिनिक को हरा भरा रखिए, अपने दुकान को हरा भरा रखिए, अपने आसपास के क्षेत्र को हरा भरा रखिए। जहाँ भी आपको ज़मीन दिखती है, अपने घर के आसपास, फ्लैट के आसपास, छत पे, ज़मीन पे, बाहर में, आप वहाँ पे बीज बो दीजिए। रोड के किनारे, नाले के किनारे, जहाँ भी आपको दिखता है बीज बो दीजिए, कभी तो उगेगा। और इतना ही नहीं, बीज बोते समय आप ये भी सोचिए कि जो आपका हेल्प करने वाला अगला व्यक्ति है आसपास का, उसको कह दीजिए कि यहाँ पानी डाल देना, थोड़ा सा केयर कर लेना, कोई बकरी गाय चरने आए थोड़ा सा हटा देना, या फिर उसको भी थोड़ा सा खाना खिला देना। भाई जानवर है, भूख लगती है तो सभी चर जाते हैं, ठीक है, कितना चरेंगे आप? डेली अगर 10 बीज बोएंगे और जिस दिन से वो खिलना शुरू हो जाएगा तो कितना चरेगा गाय भैंस? सारा नहीं चर जाएगा, 100 में से कुछ नहीं तो 10% तो बचेगा ना आपका हिस्सा। मेहनत इस कदर कीजिए कि कुछ ना कुछ तो आपके हिस्से में आए ही, ज़रूर ज़रूर आवे, ज़रूर आवे। इस कदर मेहनत कीजिए, सुकून मिलता है बीज बोने से। आप जितनी मात्रा में फल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, उसका 1% भी बीज आपको ध्यान में नहीं आता है कि कहाँ जाता है, वो सारा कूड़े में जाता है। कूड़े में नहीं जाना है, अगली बार से उसको कूड़े में नहीं भेजना है। जितना भी बीज है फल का चाहे सब्जी का, वो एक जगह रखना है, अलग से कटोरी में रखिए, सेफ़ पानी में डुबा के रखिए, और उसको बो दीजिए कहीं ले जा करके, ज़मीन में कहीं गाड़ दीजिए। जिस दिन वो बीज पौधा बन के निकलेगा ना, और जब आपको देखेगा टुकुर टुकुर करके, तब आपको विश्वास होगा कि अरे ये तो मेरे हाथ का लगाया हुआ पौधा है, कितना खूबसूरत लग रहा है, ऐसे छोटू सी पौधा दिख रहा है, मुझे ताड़ रहा है, मुझे देख रहा है, निहार रहा है कि थैंक यू मुझे तुमने जन्म दे दिया। सबसे बड़ी बात तो ये है ना फ्रेंड्स, कि जो भैया लोग फल बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं, जो एक्स्ट्रा हो जाता है तो वो जानवरों को दे देते हैं चारा में, ठीक है, अच्छी बात है। अगर उसके बावजूद भी कुछ सड़ा हुआ बचा है, सड़ा गला सब्जी या फिर फ्रूट्स, तो वो सब क्या है, वेस्ट है। अगर वेस्ट है तो उसके बीज को जो है तो ज़मीन में बो दीजिए, उसका भी भला हो जाएगा। बीज बोइए, बीज बोइए, बीज बोइए, बीज बोने की आदत डालिए। ये डेली जैसे ब्रश करते हैं, जैसे खाना खाते हैं, जैसे नींद लेते हैं, टॉयलेट बाथरूम सूसू पोटी जो भी आप लोग करते हैं डेली की आदत में, वैसे ही बीज बोने की भी आदत आप लोग डेली डालिए। हाय फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल मोही वीरू ब्लॉग। मैं रेनू आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने इस न्यू ब्लॉग में। आज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोग पेड़ पौधे लगाइए, चाहे जैसे हो, ख़रीदना नहीं है, 1 रुपये नहीं खर्च करना है। बहुत सारे टेक्निक है जो मेरे मन में चलते आ रहे हैं, और आज मैं आप लोग से यही शेयर करने के लिए बैठी हूँ कि आप लोगों से भी मैं शेयर करती हूँ, जो मैं करती हूँ खुद के घर में वही चीज़ आप लोग भी कीजिए। मैं अपने किचन में क्या करती हूँ, अगर एक नींबू निचोड़ती हूँ ना, तो उसमें भी जो बीज रहता है वो किनारे रखती हूँ। आम खिलाती हूँ बच्चों को, उसमें भी जो बीज गुठली रहती है ना, उसको किनारे रखती हूँ। लीची खिलाती हूँ, उसका भी बीज किनारे रखती हूँ। जामुन खिलाती हूँ, उसका बीज भी किनारे रखती हूँ, और सारा बीज एक साथ एक ही गमले में डाल देती हूँ। जो पौधा उग गया उसको उठा कर दूसरी जगह लगा देती हूँ। ये इसलिए करती हूँ ना, ताकि मेरे आसपास जितनी भी ज़मीन है, जितना भी मुझे दिखता है, वहाँ पे पेड़ पौधे रहें, या तो वो मुझे फल देवे और नहीं तो किसी जानवर का चारा बन जाएंगे। यही ना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा तो यही होगा ना। तो ठीक है, मैंने मुझे अंदर से ये अच्छा फील होता है ना कि मैंने किसी को जन्म दिया। अपने 2 बच्चों को तो जन्म दिया, लेकिन मैंने उसके बाद भी किसी को जन्म दिया। किसको दिया? तो लीची के पौधे को, तो जामुन के पौधे को, तो आम के पौधे को, और ऐसे नींबू के पौधे, संतरे के पौधे, मतलब हर एक चीज़ के पौधे को।
तो बड़ा अच्छा लगता है अंदर से। मैं तो खजूर के पौधे भी उगा लेती हूँ अपने गमले में, सभी मेरे गमले में उग जाते हैं। मैं तो बस बीज डाल देती हूँ, ढक देती हूँ, हफ्ते दिन महीने दिन बाद उसमें से वो पनक जाते हैं पौधे। तो मैं उन पौधों को निकालती हूँ धीरे से और ले आकर शिफ्ट कराती हूँ, जहाँ मुझे ज़मीन दिखती है ना वहाँ मैं शिफ्ट कर देती हूँ। वो बड़े हो चाहे मत हो, अगर मेरे सामने है मेरी निगरानी में पानी भी डाल देती हूँ। अगर कोई बकरी चर गई, गाय चर गई, ठीक है भाई जाओ, कोई बात नहीं। तो यही मैं सोचती हूँ ना कि मैंने किसी को जन्म दिया, वो बीज आखिर में क्या करती। जिस दिन मैं नींबू निचोड़ी, वो संतरे काटी, आम काटी, वो गुठली में या तो कूड़े में फेंकती बाकी छिलके के साथ में। तो मैं यही गलती नहीं करती हूँ और यही गलती आपको भी नहीं करने दूंगी कि आप लोग भी जिस देख रहे हैं ना इस दुनिया में कि जिस कदर से सोसाइटी बन रही है, पेड़ काटे जा रहे हैं, अंधाधुंध जो है तो एकदम रोड बनाए जा रहे हैं और सोसाइटी काट काट के जितने भी जो ज़मीन है ना पृथ्वी की वो क्या है, मिट्टी है। तो मिट्टी को हटा के उस पर प्लास्टर, प्लास्टर क्या, कंक्रीट बिछा के उसको रोड बना दिया जा रहा है। तो अंदर अंदर मिट्टी है, ऊपर कंक्रीट है। तो यही चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि अपने आसपास में, अपने घर के बालकनी के आसपास में, सोसाइटी के आसपास, जहाँ भी आपको ज़मीन दिखती है, अगर आपका शॉप है शॉप के आसपास, हॉस्पिटल है क्लिनिक है उसके आसपास, अगल बगल गमले, कहीं कुछ नहीं हो सकता है तो गमले तो हो सकते हैं ना, गमले हैं, ट्रे है, हर एक चीज़ में, कहीं भी छोटा पौधा बड़ा पौधा, बात ये नहीं मायने नहीं रखती कि हमको आम ही का पेड़ लगाना है चाहे खजूर ही का पेड़ लगाना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप घास भी लगा सकते हैं, पालक, मेथी, सब्जी, फल, कुछ भी जो आप खाते हैं उसका ही पौधा आप लगा सकते हैं। चाहे तो आप गमले में उगाइए, चाहे ट्रे में उगाइए, चाहे पानी में उगाइए, चाहे ज़मीन पर उगाइए, मिट्टी में उगाइए, मतलब कहीं भी अगर आपके दिल में इरादा हो गया ना कि आपको पौधे उगाने हैं तो उगाने हैं, तो ज़रूर उग जाएगा। और तब इतना अच्छा लगता है ना अपने अंदर से, वो फीलिंग्स आती हैं कि एक तो अगरबत्ती जलाने से और दीपक जलाने से हमको वो पूजा पाठ का जो फल होता है वो नहीं मिलता है, उससे अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं आता है कि हम जो तो अपना पाप, हमारा पाप कट रहा है, हमारा पाप कम हो रहा है, हम पुण्य कर रहे हैं। नहीं, पूजा पाठ से पाप नहीं कटती है, पाप ऐसे कटेगी कि जितना हम सांस लिए हैं और जितना हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े हैं अपने आसपास, उतने को ऑक्सीजन में ही कन्वर्ट करना है, फिर ऑक्सीजन के ही रूप में बदलना है। और वो कैसे बदलेगा, पौधे लगाएंगे तब। तो मैं ये नहीं कहती कि आप अपने जेब से खर्चा करिए और पौधे जाके लगाइए, खरीद के लेके आइए लगाइए, नहीं 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 बिल्कुल नहीं, बिल्कुल एक रुपया मत लगाइए। आप जो फल खाते हैं उसका बीज इकट्ठा करिए, आप जो सब्जी खाते हैं उसका बीज इकट्ठा करिए, एक जगह ले जाके ज़मीन में गाड़ दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े समय बाद उसमें अपने आप उग जाएगा, हरियाली तो आएगी, नहीं फल मिलेगा, हरियाली तो आएगी, बात समझ में आ रही है। और हमारी जो अगली पीढ़ी आ रही है ना, वो तो ये जानती ही नहीं कि मिट्टी क्या होता है। उनको हम क्या करते हैं, पार्क में लेके जाते हैं, देख बेटा देख देख ये मिट्टी है, ये पौधा है, ये गमला है, ये पेड़ है, हाँ। तो बच्चे कहते हैं हाँ ये कैसा है, तो बच्चे छूते हैं तो हम कहते हैं ना 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 मत छूना, मिट्टी ना छूना, लेकिन गलत बात है ना। उनको भी बीज दीजिए और उनको भी कहिए पौधे मिट्टी खोदो और उसमें एक बीज डालो, हल्का सा पानी डालो, ढक दो, चलो बाय बाय, उसका ख्याल रखना, रख सको तो रखो, नहीं रखो तो कोई बात नहीं, चलने दो, कभी तो पनखेगा, किसी को जीवन तो दिया। मैं पिछले 8 सालों से पुणे में रह रही हूँ और कभी भी 2024 के जैसा गर्म साल मैंने कभी नहीं देखा इसके पहले। मतलब साल दर साल जो है तो और गर्म होता ही जा रहा है, लेकिन इस साल तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, जो जन्म से यहाँ के रह रहे हैं लोग, मेरे आसपास में पड़ोसी हैं, और वो लोग भी बताते हैं कि पुणे इतना गर्म कभी नहीं था, पुणे अब जाके गर्म हो रहा है। तो मुझे भी लगता है कि ये ज़रूर सोसाइटी बन रही है, रोड बन रहे हैं, पठार काटे जा रहे हैं, पुणे एकदम पठारी एरिया है। मतलब आप ना किसी ऊंचे जगह पे चले जाइएगा, 8वें फ्लोर पे चले जाइए और आप चारों दिशा में देखेंगे ना, आपको पठार ही पठार दिखेगा, बहुत खूबसूरत नज़ारा, जहाँ लास्ट तक आपकी नज़र जाती है ना वहाँ तक केवल पठार ही दिखता है। तो वो पठार क्या है, धीरे धीरे काट के और वहाँ पे सोसाइटी, रोड तो क्या है सब कुछ बना दिया जा रहा है ताकि इंसान जी सके खूब। मतलब पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, बढ़े कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितने लोग आ रहे हैं अगर अपनी अपनी जिम्मेदारी उठा ले ना, हर घर में सब्जी कटती है डेली, हर घर में फल कटता है डेली खाने के लिए। आप एक सेब खाते हैं उसमें कुछ नहीं तो 5-6 बीज निकलते हैं सेब के, वो नहीं खाते हैं, हाँ। तो उस बीज को इकट्ठी कीजिए, अपने हथेली में मुट्ठी में बांधिए और तुरंत निकल जाइए ऐसी जगह पे जहाँ पे उसको आप ज़मीन में दफना सकते हैं, ठीक है, ज़मीन में उसको बो दीजिए। उसके बाद से ईश्वर से प्रार्थना करिए कि हे ईश्वर उसका पौधा उग जाए, ताकि मेरे हाथ का डाला हुआ जो बीज है
उसको जीवन मिल जाए। पेड़ पौधे लगाना है, लगाना है, लगाना है, चाहे जैसे। तो हम बीज लगाएंगे तो भी पेड़ पौधे उग जाएंगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमको खरीद के पौधा लगाया जाए। एक बात जान लीजिए फ्रेंड्स, अगर आज नहीं संभले ना तो बड़ी देर हो जाएगी, और तब नहीं संभाले संभलेगा। तो आज ही इस चीज़ को करना है, आज से शुरू कर देना है कि हमारे घर में जो भी सब्जी कट रही है, जो भी फल कट रहा है, अगर उसका बीज है तो उसको हमको ज़मीन में बो देना है, लगा देना है। वो पौधा उगे ना उगे ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए, लेकिन आपको बो देना है। ये अपने अंदर एक आदत बनानी है डेली, जैसे सुसु पोटी करते हैं, खाना खाते हैं, नींद लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग करते हैं, पार्क में खेलने जाते हैं, एक और आदत यही बना लीजिए कि आपको बीज बोने हैं तो बोने हैं। आप मास्टर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, चाहे दुकानदार हैं, चाहे बिजनेसमैन हैं, चाहे ठेला लगाते हैं, चाहे बड़े बड़े होटल्स खोले हैं, चाहे जो भी करें हैं, अपने आसपास में डेकोरेट कीजिए। वो आर्टिफिशियल घास नहीं, एस्ट्रोटर्फ घास से नहीं, ओरिजिनल से। ओरिजिनल से कैसे करेंगे वो आप खुद जानते हैं कि हमको सिर्फ बीज लगाने हैं, चाहे जिस चीज़ के बीज हैं। आप अगर पानी पूरी का ठेला भी लगाते हैं ना, तो आपको क्या करना है, जितना नींबू आप निचोड़ते हैं पानी पूरी वाले पानी में, उतने का सारा बीज कटोरी भर के निकलता होगा। तो वही मैं कह रही हूँ, पानी पूरी वाले भैया जी, जितना नींबू आप निचोड़ते हैं उसका सारा बीज, और जितना इमली आप निचोड़ते हैं उसका सारा बीज ले जाइए, कहीं ज़मीन में बो दीजिए, किसी का तो भला होगा। करके देखिए, बात अच्छी लगी तो कमेंट जरूर कीजिएगा, येस या नो। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोग मेरी बात से सेटिस्फाइड हैं, संतुष्ट हैं, तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और ये ज़रूर लिखिएगा कि हाँ बात बिल्कुल सही है, ज़मीन वाली बात है, हकीकत वाली बात है, उपदेश देने वाली बात नहीं है, ये खुद से करने वाली बात है। आज से अगर नहीं करेंगे ना तो कल को जाकर हमारे बच्चे भुगतेंगे, तो भुगतने से अच्छा है पहले ही हम सुधर जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।